नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी स्वागत करती हूं आपका आज के ताजा मौसम समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इससे बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो अगर आप भारत के किसी भी गाँव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य अपने गाँव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य, जिला और गाँव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो 27 नवंबर के बाद उत्तर भारत के लोगों को शीतलहर के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। तेज हवा चलने के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा जा रहा है। हालांकि आज दिल्ली एनसीआर सुबह कोहरा देखने को मिला, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते हालात बदलने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म रहेगा। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। लखनऊ में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। यहां भी सुबह के वक्त लोगों को कोहरा दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में आज से मौसम करवट ले सकता है। यहां शीतलहर का कहर जारी हो सकता है। एमपी में 15 नवंबर के बाद से मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया था। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव होगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इससे चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर राजस्थान के ऊपर देखा जा सकता है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना के साथ कई स्थानों पर बारिश और हिमपात की संभावना है। एक या दो स्थानों पर भारी गतिविधि भी हो सकती है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की संभावना बनी हुई है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं के बहने की संभावना है। इन राज्यों में सुबह सुबह धुंध देखी गई। पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के बावजूद मुख्य रूप से शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। कोलकाता में धूप खिलने की संभावना है। वहीं दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में सुबह के तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। तटीय महाराष्ट्र, मुंबई और रत्नागिरी बहुत गर्म रहने की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी दिशा से मध्यम हवाएं चलने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अधिकांश हिस्से सूखे रहेंगे। चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कोची में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बेंगलोर और हैदराबाद में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही ठंड हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूरे राज्य में पछिया हवा का असर दिखने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में गिरने की संभावना है। सुबह में कोहरा और धुंध और बाद में मौसम साफ रहने का संकेत दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिम दिशा की हवा कनकनी बढ़ाएगी। उन्होंने बताया है कि अभी उत्तरी क्षेत्र में बर्फबारी और ठंडी हवा के बहने का असर झारखंड में दिखने लगेगा है। बताते कि सुबह में कोहरे के कारण और शाम के बाद ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं विभाग से मिली रिपोर्ट में कहा गया है पिछले एक माह से दरमियान झारखंड में तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक का तापमान और गिरने का अनुमान है। रांची में 26 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट के संकेत दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। राजधानी रांची में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 3 दिन में तापमान 2 डिग्री तापमान के गिरने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 26 नवंबर को तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 27 नवंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री डेल्टनगंज जिले का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी रांची का तापमान अधिकतम 25.9 और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वानुमान की बात करें तो आज राजधानी रांची में सुबह कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं आज का तापमान अधिकतम 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी और 26% आर्द्रता रहेगी। पहाड़ों से चलकर उत्तर भारत की ओर आने वाली हवाओं से दिन के समय ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होने को है। इस बीच राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है। शनिवार को लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन के समय शुष्क मौसम के साथ आसमान साफ रहेगा। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 पर दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को ये 190 पर था। प्रदूषण का ये स्तर खराब की श्रेणी में आता है। इस दौरान खुली हवा में अधिक समय तक रहने वालों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और आंखों में जलन की समस्या भी देखी जा सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख एम दानिश के अनुसार कश्मीर से चलकर आने वाली पश्चिमोत्तर हवाएं रात के समय गलन बढ़ा
रही हैं। दिन के समय भी हवा के चलते सेहरन हो रही है। अगले सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहेगा। राजधानी लखनऊ में मौसम की बात की जाए तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान प्रयागराज में 29.2 और झांसी में 29 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सबसे कम तापमान चुर्क में 7.6 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 8.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन के समय मौसम शुष्क के साथ आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। पर्वतीय प्रदेशों से आ रही ठंडी और शुष्क हवा के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान पारे में 2 से 3 डिग्री और गिरावट होने के आसार है। इससे ठंड में वृद्धि होगी। वर्तमान में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखा जा रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को गया समेत प्रदेश के सारण, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, बांका, फारबिसगंज जिले में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। वहीं राजधानी समेत प्रदेश के औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपैल, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, पूर्णिमा, कटिहार जिले के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को गया जिले के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की गिरावट के साथ 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। ये इस माह में गया जिले का सबसे कम तापमान रहा। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक की माने तो प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं एक हफ्ते बाद प्रदेश में कोहरे की संभावना बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर पूर्वी चल रही हवा की दिशा बदल गई है। इसकी वजह से तापमान में तेजी से आई है। शुक्रवार को हल्द्वानी के न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 200 डिग्री का उछाल देखा गया है। नैनीताल का न्यूनतम पारा जरूर नीचे आया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि हवा की दिशा बदलकर उत्तर पूर्वी हो गई है। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। सिंह ने बताया है कि फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। 30 नवंबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने से ठंड में वृद्धि होगी। उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत में पिछले कुछ दिनों से शुष्क और ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी दो पश्चिमी विक्षोभों के बीच लंबा अंतराल होता है तो देश के अधिकांश हिस्सों में उत्तर और उत्तर पश्चिमी से लगातार ठंडी हवाएं चलती है जिससे तापमान में गिरावट आती है। इसके अलावा साफ आसमान पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में मदद करता है क्योंकि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि उत्तरी मैदानी इलाकों में भी बारिश की कोई गतिविधि नहीं होगी, इसलिए कोहरे की संभावना से इनकार किया जा सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल में सूर्यास्त के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिस कारण लोगों को हीटर व अंगीठी का सहारा लेना पड़ रहा है। GIC मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को नगर का अधिकतम तापमान 19वां व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता अधिकतम 65 व न्यूनतम 45 फीसदी दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अल्मोड़ा व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा। अपहर बाद आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए और हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी होगी। बागेश्वर में भी सुबह का कोहरा छाया रहेगा। वहीं तराई में सुबह शाम ठंड का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। मौसम पूर्वी तरह साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। गुनगुनी धूप के साथ मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी बीते दिनों बर्फबारी के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। प्रदेश में 5 दिन बाद बारिश व बर्फबारी की संभावना है। दिसंबर माह की शुरुआत में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। दिसंबर में बर्फबारी से व्हाइट क्रिसमस मनाने का मौका मिल सकता है। वहीं न्यू ईयर एवं पर्यटकों का जोश हाई रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है। मनाली के सोलंग नाला, गुलाब और रोहतांग दर्रे सहित आसपास के लाहौल पर्यटन स्थलों में भी अभी भारी बर्फबारी मौजूद है जहां पर्यटक मस्ती करने पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिन प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। बिलासपुर, मंडी, ऊना व कांगड़ा जिले में सुबह शाम धुंध पड़ सकती है। शुक्रवार को प्रदेश में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट शिमला में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में 57 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इनमें लाहौल स्पीति में 47, कुल्लू में 4, कांगड़ा में 3, चंबा में 2 और सिरमौर में 1 सड़क यातायात के लिए बंद है। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।